नमस्कार, मेरा नाम है बीना और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। गुरु गोविंद दो खड़े कह के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद वे बताए। कहा जाता है कि शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षक का जो स्तर है, वो गोविंद से भी आगे है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि वो जीवन का पाठ हमें पढ़ाते हैं। लेकिन तब क्या जब अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक ही हिंसक पर उतारू हो जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि मोतिहारी जिले से एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर दो शिक्षक आपस में भिड़ जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये मामला तब होता है जब प्रिंसिपल के प्रभारी को लेकर दो शिक्षक आपस में भिड़ जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह ऑफिस में ही दोनों एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में वैसे भी शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे जाता दिख रहा है। लगातार कई ऐसे आंदोलन भी शिक्षक को लेकर हुए हैं। इसके साथ ही कई ऐसे फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आते रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ ही शिक्षकों के पाठ पढ़ाने वाले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों शिक्षक का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता है। ऑफिस में ही दोनों एक दूसरे को जमीन पर पटक कर और फिर जमकर हाथापाई होती है। यह सब कुछ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सामने हुआ। मामला बढ़ता देख वो वहां से फरार हो गए। यह पूरा मामला हेडमास्टर का प्रभार को लेकर है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां एक हालिया में ही अदापुर में नई स्कूल खोली गई है, जिसमें प्रिंसिपल के चयन को लेकर लगातार कई दिनों से बात चल रही थी और इसी को लेकर बीईओ ने यहाँ पर जो है एक पत्र निकाला, जिसको लेकर दो शिक्षकों में हाथापाई हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।